जैसे मैंने ये एक कलर का ये फर वाली या लूप वाली स्टिच अभी डाली है। अब आप इसे दो कलर में भी डाल सकते हो और इसे थोड़ी घनी बनाने के लिए इसके लूप्स डबल डबल ले सकते हो। ये कैसे बनाएंगे इसको मैं अपने बता रही हूँ। इसको मैं डबल कलर में कैसे बनाते हैं ये देखिए। ये दो कलर का आप ऊन ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। मेरे पास ये था तो मैंने ले लिया था। मैंने दोनों सलाइयों को पकड़ के मैं 20 फंदे डालने वाली हूँ इसके पैटर्न बनाने के लिए। और इसको फंदे की जो शुरुआत है नॉर्मल जो फंदे पड़ते हैं उसे आप डबल नीडल पर लीजिए तो वो नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा ढीला रहता है तो आपको फिर बॉर्डर या कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। अगर फिर आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हो लेकिन बॉर्डर बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये जैसे नॉर्मल फंदे पड़ते हैं वैसे 2 3 4 5 छः सात आठ नौ 10 11 11 फंदे पड़ गए। अब आप इसमें से एक सलाई को ऐसे धीरे से खींच लीजिए जिससे आपके स्टिचेस फंदे फिसले नहीं। अभी ये आपका ढीला ढीला फंदा हो गया। अब इसे आप बनाएंगे। ये मैंने इसमें ये जैसे पहले फंदा जो है इसे नॉर्मल जैसे बिनते हैं इसे ऐसे बिनेंगे। और जैसे उस एक कलर वाले में बनाए थे वैसे ही ये ऐसे बिना और ये लूप को लंबा खींच दिया। सेम सारी चीज़ें वैसे होंगी बस सिर्फ ये डबल कलर का है। फिर फंदे को गिराएंगे नहीं उसी फंदे में सेम स्टिच में पीछे से सिलाई घुसा के और ऐसे कर देंगे। इसे थंब से प्रेस करके रखेंगे जिससे फिसले नहीं। नेक्स्ट स्टिच नॉर्मल प्लेन बनाएंगे। फिर उसके बाद इस लूप वाली स्टिच ऐसे लूप इक्वल रखेंगे और थोड़े लंबे रखेंगे। लंबे तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे पीछे ये सॉक्स के बॉर्डर्स पे भी अच्छे लगेंगे। पीछे से सिलाई घुसाई ये ऐसे स्टिच आपने गिराई नहीं और फिर उसी स्टिच में ऐसे डाल के ये हम गिरा देंगे और इसे थंब से प्रेस करके रखेंगे। नेक्स्ट स्टिच ऐसे ही प्लेन। फिर ये ऐसे ऐसे रखेंगे उसी स्टिच में ऐसे पीछे से सिलाई घुसा के। और ये देखिए मैंने इसे ऐसे इसलिए रखा कि देखिए थंब से प्रेस नहीं किया तो ये श्रिंक होके ये ऊपर चला गया। इसीलिए बार बार बोलते हैं थंब से प्रेस करने से वो जो स्टिच है वो फंदे जो हैं थोड़े से टाइट रहते हैं। ऐसे जितना लंबा आपने रखना है उतना लंबा आपने रख लिया है पहले वाले फन लूप के बराबर। फिर इस जगह को आपने थंब से प्रेस कर दिया। फिर पीछे सिलाई डाल के और ये स्टिच को ऐसे गिरा दिया। फिर टाइट करके नेक्स्ट स्टिच ऐसे नॉर्मल। फिर ऐसे देखिए और दोनों धागे दोनों कलर हैं वो साथ ही आए ऐसा ना हो कि एक सिलाई में ही रह जाए एक गिर जाए। तो फिर इसे ऐसे फिर ये ऐसे फिर ये लूप वाली स्टिच इसी में पीछे से ऐसे घुसा के ये ऐसे गिरा दिया और ये सीधा ये देखिए देखिए ये ऐसा दिख रहा है। और इसके रॉन्ग साइड में ये जैसे नॉर्मल निट बुनाई करते हैं ये सीधी पूरी सिलाई ऐसे सीधी। जब आप ये डबल कलर का ले तो थोड़े पतला ऊन होगा तो ये अच्छा लगेगा। बहुत मोटा फिर वो ज़्यादा ही मोटा हो जाएगा। ये ऐसे दिखेगा। फिर इसी को आप आगे जैसे पहली सिलाई कर रही थी वैसे ही करेंगे और इसे आप करते जाएंगे। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करिए और आपके सजेशंस
का वेट करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।